गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा डेसिमल की यूनिट के अंदर वर्कशीट 6 के अंदर आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट 6 को करेंगे। वर्कशीट 6 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेसिमल नंबर। हमें दो डेसिमल नंबर को कंपैरिजन करना है कि कौन सा छोटा नंबर है और उसमें कौन सा बड़ा नंबर है। तो इसके अंदर हमें एरो का यूज करना है, बैकवर्ड एरो और फॉरवर्ड एरो, ये दो एरो हैं। बेटा हमने पीछे भी शायद हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक इसका आसान सा तरीका है। जब हम छोटे बच्चे थे होते थे तो हमारे सर बताते थे कि एक वैसे इसको बैकवर्ड एरो और फॉरवर्ड एरो बोलते हैं। तो ये जो आपकी है ये चिड़ी की चोंच है, ये एक स्पैरो की चोंच है, माउथ है, मुंह है। ये स्पैरो का जो मुंह है, ये जो चोंच है, ये छोटे नंबर की तरफ करनी है, स्मॉल डिजिट की तरफ। बस इतना सा देखना और कुछ नहीं देखना, आपका पेयर ऑटोमेटिकली कंपैरिजन हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। कैसे तो हम करें बेटा स्टार्ट। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपको वोल पार्ट देखना है कंपेयर करने के लिए। अब वोल पार्ट के अंदर दो हमारे पास नंबर हैं, वोल पार्ट यहां भी जीरो है, वोल पार्ट यहां भी जीरो है। फिर हम कंपेयर करने के लिए डेसिमल पार्ट के अंदर जाएंगे। डेसिमल पार्ट में जाने के लिए तो पहले फर्स्ट नंबर देखेंगे। फर्स्ट नंबर डेसिमल का यहां क्या है, 3, और फर्स्ट नंबर डेसिमल का यहां क्या है, 4। बस इससे आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। यदि फर्स्ट, जैसे डिक्शनरी में हम देखते हैं, यदि फर्स्ट नंबर हमारा स्मॉल और ग्रेटर है तो वहीं पर हम कंपेयर हो जाएंगे। तो ये छोटा है तो हम यहां पर बैकवर्ड एरो यूज करेंगे। जो ये कॉर्नर है बेटा ये छोटे नंबर की तरफ लगेगा, क्योंकि 3, 4 से छोटा है, इसलिए यहां पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट के अंदर चाहें तो प्यारे बच्चों पहले तो आपने वोल पार्ट देखना है। वोल पार्ट यहां पर क्या है, 182, और यहां पर वोल पार्ट क्या है, 181। तो जब वोल पार्ट ही आपका छोटा और बड़ा हो, स्मॉल और ग्रेटर हो, तो आपको डेसिमल पार्ट में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वोल पार्ट से ही हम उस नंबर को स्मॉल और ग्रेटर देन यूज करेंगे। तो हमारा जो डेसिमल, हमारा जो एरो लगेगा, फॉरवर्ड एरो लगेगा, ऐसे लगेगा, क्योंकि 181 182 से छोटा है। सी में जाएंगे। अब देखो वोल पार्ट यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो। अब हम डेसिमल पार्ट के अंदर जाएंगे और डेसिमल पार्ट में भी सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को यूज करेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारी यहां क्या है, 9, और यहां पर क्या है, 1। तो ये छोटी है तो हमारा ऐसे यूज करेंगे, ये एरो यूज हो जाएगा। फिर डी के अंदर जाएंगे हम। पहले वोल पार्ट देखो, वोल पार्ट सिक्स दोनों इक्वल हैं। अब हम डेसिमल के अंदर जाएंगे, फर्स्ट डिजिट 9, नेक्स्ट डिजिट 6। तो 6 9 से छोटा है तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं पर आ जाएंगे। फिर आगे चलेंगे, वोल पार्ट 126। अब हम डेसिमल के अंदर जाएंगे, फर्स्ट डिजिट सिक्स। देखो प्यारे बच्चों अब यहां पर फर्स्ट डिजिट 6 और फर्स्ट डिजिट 6 होने से तो हमारे पास यहां पर एक कंपैरिजन क्रिएट हो जाता है कि अब हम क्या करें, कि कौन सी डिजिट को हम छोटा करें, कौन सी डिजिट को बड़ा करें। तो इसके लिए बड़ा ही आसान एक तरीका है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो जब पहली डिजिट हमारी ही और नेक्स्ट डिजिट 0 है, ठीक है ना। अब यदि हम इसका लाइक डेसिमल भी करें तो यहां पर 0 आ जाएगा, तो दोनों डिजिट क्या हो जाएंगी हमारी, इक्वल। ठीक है पहले बच्चों, नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। फिर हम आपका आप देखो वो पार्ट यहां पर 342, यहां पर 342 इक्वल। आगे बढ़ते हैं, वोल पार्ट यहां पर 8 डेसिमल पार्ट, और यहां पर फर्स्ट डिजिट 8,
चलो फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर वन, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर आगे वन बड़ा है जीरो छोटा है, तो हम फॉरवर्ड आरो का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, वोल पार्ट फोर, वोल पार्ट फोर, फिर डेसिमल, एक एक डिजिट के अंदर, जैसे डिक्शनरी के अंदर हम एक एक वर्ड के अंदर यूज आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी डेसिमल की सबसे पहले फर्स्ट डिजिट, यदि इक्वल है तो फिर हम सेकंड डिजिट को देखेंगे, यदि सेकंड डिजिट भी इक्वल है फिर हम थर्ड डिजिट को देखेंगे, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर वोल पार्ट, पहले वोल पार्ट को देखना है, फिर डेसिमल पार्ट को, फर्स्ट डिजिट वन, फर्स्ट डिजिट वन, फिर सेकंड डिजिट, यहाँ पर सेकंड डिजिट टू है, यहाँ पर सेकंड डिजिट थ्री है, तो हो गया थ्री बड़ी है टू छोटी है, तो हमारा कंपेयर ऐसे हो जाएगा। फिर सी पार्ट, यहाँ पर सबसे पहले वोल पार्ट को देखना है, वोल पार्ट यहाँ पर इक्वल है, फिर फर्स्ट डेसिमल की फर्स्ट डिजिट, यहाँ पर एट, यहाँ पर एट फर्स्ट डिजिट इक्वल, फिर सेकंड डिजिट में जाएंगे, यहाँ पर टू, यहाँ पर टू, ये भी इक्वल, फिर हम अगली डिजिट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर सिक्स और यहाँ पर क्या है फाइव, यहाँ पर कंपैरिजन हो जाता है, तो फाइव छोटी है तो ये जो एरो का कॉर्नर है ये छोटी डिजिट की तरफ करना है। फिर हमें 71.780, यहाँ पर 78, तो पहली डिजिट डेसिमल पार्ट की फर्स्ट इक्वल, अगली 8 और 0, 0 छोटा है तो ये एरो आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाएंगे, वोल पार्ट इक्वल, वोल पार्ट इक्वल 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, दोनों इक्वल हैं, उसके बाद 0। अब यहाँ पर यदि हम इसको लाइक डेसिमल बनाते हैं तो क्या आता है, जीरो ही तो आता है, तो ये हमारा क्या है इक्वल डेसिमल है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें क्वेश्चन के अंदर, आगे देखो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर भी हम ऐसे करेंगे, यदि आपको कंपेयर अच्छे समझ में आ गया तो असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को कैसे लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और यहाँ पर डेसिमल नंबर के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर हम वोल डिजिट का करते हैं, ये ध्यान में रखना। यदि वोल डिजिट हमारी वोल WHOLE सेम है तो हम डेसिमल पार्ट के अंदर जाएंगे, वरना हमारी डेसिमल पार्ट में जाने की कोई शर्त नहीं है। तो हम पहले इसी क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर वोल डिजिट सभी डिजिट के अंदर देखेंगे, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। फिर हम डेसिमल के अंदर जाएं, यहाँ पर पहली डिजिट क्या है जीरो, उसके बाद क्या है फाइव, उसके बाद क्या है जीरो, उसके बाद क्या है थ्री। अब हमारे पास यहाँ पर दो डिजिट आ गई जीरो की, एक ये आ गई एक ये आ गई। अब इन दोनों के अंदर पहले कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी पहले आएगी, जीरो और जीरो तो सब में सेम है, बाकी तो बड़ी है उसको छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट डिजिट इसमें थ्री है इसमें जीरो है, तो थ्री से छोटी क्या है ये जीरो है, तो इसका मतलब पहले फर्स्ट नंबर पे ये डिजिट आएगी, ठीक है, सेकंड नंबर पे ये डिजिट आएगी। अब थर्ड की बात है, तो अब ये दो डिजिट हमारी रहेगी, फाइव देखो और थ्री देखो, फाइव और थ्री में सबसे छोटा क्या है ये है, तो ये हमारी थर्ड डिजिट है और ये हमारी फोर डिजिट है। तो ऐसे करके फिर हम इसको लिख देते हैं, फर्स्ट डिजिट को लिखो पहले 005, फिर सेकंड 6.035, फिर थर्ड 6.359 एंड फिर फोर्थ 6.530। बिल्कुल आसान मेथड है बेटा, मैंने अभी बनाया है। अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं, बी के अंदर, बी पार्ट। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, वोल पार्ट देखो, वोल पार्ट, वोल पार्ट
19, 19, 19, 19, सभी में सेम। फिर डेसिमल पार्ट के अंदर फर्स्ट डिजिट, इसमें जीरो है, इसमें वन है, इसमें सेवन है, इसमें जीरो है। अब दो डिजिट हैं, सबसे पहले कंपैरिजन इसका और लास्ट वाली डिजिट का करेंगे, इन दोनों में से सबसे पहले कौन सी आएगी। जीरो जीरो दोनों में सेम है, उसके बाद सेवन है, उसके बाद वन है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, फिर थर्ड देखेंगे वन और सेवन, तो उसके बाद हमारे पास सेवन से छोटी है ये, थर्ड पे ये आएगी और फोर्थ पे ये आएगी। फिर हम इसको आसानी से लिख देते हैं, 19.017, फिर 19.071, फिर 19.170 एंड लास्ट 19.701। चलो बेटा सी पार्ट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपने बेटा वोल पार्ट को देखना है, वोल पार्ट, वोल पार्ट, यदि हमारे पास वोल पार्ट हमारा छोटा बड़ा हो जाता है तो वहीं पर हमारा कंपैरिजन हो जाता है। वोल पार्ट यहाँ पर सभी का सेम है। फिर डेसिमल पार्ट के अंदर जाएंगे, टू यहाँ पर, जीरो यहाँ पर, सेवन यहाँ पर, सेवन, तो सबसे फर्स्ट डिजिट टू है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर सेवन है, यहाँ पर सेवन, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, फर्स्ट डिजिट ये जीरो वाली, तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड हमारी ये हो जाती है, फिर थर्ड सेवन और सेवन दोनों हमारे पास हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, कोई नहीं है, तो जीरो है यहाँ पर, तो यही हमारी क्या है, थर्ड है, और ये हमारी फोर्थ डिजिट है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है 400.072 फर्स्ट, 427 सेकेंड, 47 थर्ड, 4724। तो चले बच्चा आगे चलते हैं डी पार्ट के अंदर। बेटा मैं आपको सभी सम करा रहा हूं, तो इसलिए कि ताकि आप जब वीडियो देखें तो आपको किसी भी सम में कोई भी मिस्टेक ना हो, तो इसलिए नेक्स्ट डी पार्ट के अंदर असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले वॉल पार्ट देखो, सभी में सेम है। फिर डेसिमल पार्ट, यहां पर वन, यहां पर एट, यहां पर एट, यहां पर एट, तो सबसे पहला नंबर तो यही हो गया क्योंकि सबसे छोटा है। उसके बाद हमें इन तीनों के अंदर देखना है कौन सा सेकंड पे आता है, यहां पर एट है, यहां पर एट है, यहां पर एट है, फिर सेकंड डिजिट यहां पर वन, यहां पर वन, यहां पर एट, उसके बाद अगला कंपैरिजन हमारा इन दो डिजिट के अंदर होगा, कौन सा थर्ड आएगा और कौन सा सेकंड आएगा, तो दोनों में वन वन हो गया, फिर थर्ड डिजिट के अंदर वन और एट, तो इसका मतलब क्या है, एट से वन छोटा है, तो सेकंड डिजिट हमारी ये हो जाएगी, थर्ड ये हो जाएगी, लास्ट में ऑटोमेटिकली ये फोर्थ बच गई आपकी, 2.118, 2.811, 2.818, 2.818, ठीक है बेटा आगे चलें। फिर हमारा है अरेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने सबसे पहले छोटे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। अब यहाँ पर भी आपको ऐसा ही करना है जैसे हमने असेंडिंग में किया था। तो हमारे पास डिजिट हैं, सबसे पहले वोल पार्ट को देखना है, वोल पार्ट हमारे पास 218, 281, 281, 218, तो सबसे पहले वोल पार्ट के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा डिजिट, क्योंकि 281 है, इन दोनों में से बनेगा। अब इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8, और 8 यहां पर भी है,
तो सबसे बड़ा नंबर है 2, क्योंकि 1 से, तो सबसे पहला नंबर इसका आएगा, फिर उससे छोटा ये है। अब फिर 218 और 218 के अंदर कंपैरिजन इन दोनों का बनेगा हमारे पास। यहां पर 8 है और यहां पर क्या, यहां पर 8 है और यहां पर क्या 9 है, तो हमारा सबसे इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये है, और इससे छोटा क्या है, ये है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, डिसेंडिंग सॉरी। तो सब 281.82 जो मैंने लिखा है बस उसी को उतारना ही, हमें क्या करना है 218.81 आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पार्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इसमें भी देखना है वोल पार्ट देखना है पहले, तो वोल यहां पर 11, यहां पर 11, यहां पर 11, यहां पर 11। अब डिजिट के अंदर जाएंगे, सबसे फर्स्ट जो डिजिट है ना वो देखो, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, यहां पर 0, यहां पर 6, यहां पर 4, यहां पर 1, सबसे बड़ी डिजिट है 6, तो पहला नंबर तो यही हो गया। फिर इन तीन डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट देखो, यहां पर 0, यहां पर 4, यहां पर 1, दूसरा नंबर ये हो गया। फिर इन दो में सबसे बड़ी डिजिट, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, तीसरा नंबर इसका बन गया और चौथा नंबर इसका बन गया, और फिर हमें राइट कर दो, सबसे बड़ी डिजिट 604, उससे छोटी 11.406, उससे छोटी 11.1, और सबसे छोटी 11.064। ठीक है बेटा, आगे देखो, सबसे पहले वोल पार्ट 30 30 30 30, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट देखो, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है। अब इन दोनों में से कंपैरिजन करना है, 0 यहां पर भी कुछ नहीं है, 0 0 ही रहेगी, तो यहां पर 1 है, ये डिजिट इससे बड़ी हुई, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब थर्ड का कंपैरिजन इन दोनों में से करना है, तो 0 0 3 3, उसके बाद यहां पर 0, यहां पर 1, तो थर्ड ये है हमारे पास, फोर्थ ये हो जाएगी। आसान सा है बेटा, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब 0 है, यहां पर 1 बड़ी है इससे, तो सबसे छोटी ये हो गई। तो सबसे पहले 30.301, 30.3, 30.031, 30.03, ठीक है बेटा, ये मैंने कर दिया है। आगे देखो, नेक्स्ट के अंदर चलते हैं, वोल पार्ट 0000, अब उसके बाद डेसिमल पार्ट 005 और 0, तो इसका सबसे बड़ा फर्स्ट डिजिट ये है, तो पहली डिजिट यही होगी। उसके बाद सेकंड डिजिट 4 4 और 0, अब कंपैरिजन इनके अंदर बनेगा 4 और 4। आगे चलेंगे 5 और 0, तो सबसे बड़ी क्या है ये, उससे छोटी ये, और सबसे लास्ट में ये, ठीक है। तो 0.544, 0.045, 0.40 और 0.005। तो बेटा ये वर्कशीट 6 कंप्लीट होती है आपकी, मैंने कंप्लीट कर दी है आपकी वर्कशीट, ये तो वर्कशीट 6 कंप्लीट हो चुकी है। और बेटा नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, तो वर्कशीट 6 कंप्लीट हो चुकी है और इसमें सभी सब मैंने कर दिए। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।